Top down, we drive up 45, wind in our face. Yeah, no time to think about slowing down, fuck yesterday. Let's go out to the city lights, girl, got me feeling right, fading away. Yeah, cause right now I think we needin' that long holiday. Late nights, real fights, got that shit, got that real ice for you, come soon, bad girl gon' stay the night through. I think that I love. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड फाइनली हम लोग आ गए हैं उदयपुर। एंड ये हमारा मॉर्निंग का व्यू था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। दिल कर रहा था कि हर सुबह ऐसा ही देखने को मिले और यहीं पे रह जाएं, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और चलो अब रूम दिखाती हूँ। तो रूम काफ़ी ट्रेडिशनल था, काफ़ी अच्छा है, फैसिलिटीज़ वाइज भी काफ़ी अच्छा था। तो एक बार मैं आपका जो है टूर कराती हूँ पूरे होटल का। सो होटल का नाम और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो दैट आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाए अगर आप लोग जाते हैं तो। बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको डेफिनेटली। तो यहाँ से एंट्री था और लेफ्ट साइड में एक गार्डन है छोटा सा, और गार्डन के जस्ट ऊपर ही हम लोगों का रूम था ये। और बहुत मतलब इतना सुंदर जगह थी ना ये कि मन कर रहा था बाहर जाने का, तो दिल ही नहीं कर रहा था मैं तो सच बोलूं। यहाँ से एंट्री थी अंदर, और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों में मतलब इतना अच्छी तरह से बनाया हुआ था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था सब कुछ। सो यहाँ से ये एंट्री था, और राइट साइड में रिसेप्शन बना हुआ है यहीं पर। तो ये देखिए, मतलब आप देख ही पा रहे होंगे इतनी कारीगरी हर चीज़ के अंदर है ना, मतलब मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती हूँ वर्ड्स में, इतनी अमेजिंग थी। और ग्रीनरी इसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही हम रिसेप्शन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक गैलरी टाइप आता है थोड़ा एरिया, और इसमें चारों तरफ प्लांट्स वगैरह लगे हुए थे अच्छे से, और बहुत ज़्यादा सुंदर हेल्दी प्लांट्स थे काफ़ी, तो बहुत अच्छी जगह लग रही थी। यहाँ पे एक शॉप भी था जिसमें काफ़ी ज्वेलरी का कलेक्शन था, लेकिन उस टाइम पे वो ओपन नहीं था, सुबह सुबह था, सो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी उसको। और कुछ एंटीक चीज़ें, गन्स वगैरह थी, स्पा भी इसके अंदर इंक्लूड था अगर आप लेना चाहें तो। और फिश टैंक था यहाँ पे, एक्वेरियम, बहुत ज़्यादा सुंदर फिश थी इसके। और ऐसे ही मतलब सारी चीज़ें बहुत सुंदर लग रही थी। अब चले हम ब्रेकफास्ट करने के लिए, हम लोग निकले हैं। तो ब्रेकफास्ट जो है इसका फर्स्ट फ्लोर पर है, तो फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग जा रहे हैं अभी। तो ये बाय द वे, इन लोगों ने जो कॉम्बिनेशन लिए हुए थे ना कलर्स के, काफ़ी वाइब्रेंट थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे वो। और ये हम लोग अभी ब्रेकफास्ट हॉल में आ गए हैं, यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। और बफे लगा हुआ था यहाँ पे, बफे में काफ़ी ऑप्शंस हम लोगों को यहाँ मिले। इवन अगर आप कुछ अपना पर्सनली कुछ ऑर्डर करना चाहें तो वो भी अवेलेबल था, वो भी कर सकते थे। बट मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट बफे में सब कुछ था जो आप इजीली मतलब आपका अच्छे से ब्रेकफास्ट उसके अंदर हो सके। तो ब्रेकफास्ट करते हैं। हियर इज़ द ब्रेकफास्ट, यहाँ है मेरी चाय और वेश खा रहे हैं ओट्स और किसी भाजी। गाइस देखिए, अभी टोस्ट बॉयल्ड एग जूस पीने के बाद फाइनली क्या खाया जा रहा है, पूड़ी। और अभी इतना ध्यान दिया जा रहा था ना पूड़ियों के लिए मेरे को। हाँ जी, तो अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैं आपको पूल साइड दिखाती हूँ अभी यहाँ से। व्हाट अ ब्यूटी, मतलब इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना ये लोकेशन, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था मेरे को। तो सर आके रेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा हैवी डोज ले ली है। सो ये पूल साइड था और बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर था, बहुत सारी पिक्स हम लोगों ने क्लिक करी, वो भी मैं ऐड करूँगी इसी के अंदर, सो दैट आप लोग भी देख पाएँ। और अगर उदयपुर आते हैं तो मैं तो बोलूँगी कि आप ज़रूर एक दिन का स्टे यहाँ पे लें, बहुत अच्छी जगह है।
सो ऊपर जो रूफटॉप था आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है, उधर ही जो है बार एरिया भी है उसके अंदर, और डिनर वगैरह या फिर कैंडल लाइट डिनर वगैरह अगर आप लोग करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटीज भी इसके अंदर थी। Saw you hanging by the club again. You wore that dress that made you stand out from your friends. I took a moment to hesitate. You had me feeling more than I could comprehend. I wanna tell you you're beautiful. These guys ain't nothing when they're next to you. Oh girl, I know that this sounds so typical, but I can love you when I know it's not enough. के बाद हमने गाइड लिया एक अपने साथ, वही ड्राइव कर रहे थे खुद, तो बहुत इजी हो गया हम लोगों को, आराम से सब कुछ हमने अच्छे से देखा। अब तो आप लोग क्या ट्राई कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे वगैरह वगैरह। तो भाई अगर किसी को पहले मैं कर लूं एक्सपीरियंस फिर बताऊंगी आपको। सज्जन सिंह जी ने महाराणा प्रताप के जो दादाजी है ना, सज्जन सिंह जी, उन्होंने रानिया के लिए मानसून पैलेस बनाया था रानियों के लिए। अच्छा, मानसून जब आता है ना तो सज्जन सिंह जी वहीं चले जाते थे और सारा घुमा के हमें नाइट के लिए फिर कोई अच्छा सा वो बता दियो, मतलब हाँ बढ़िया सा रिजोर्ट जैसे ये स्वरूप है ना, लेक के पास दिलाओ आपको। मेरे को तो तू अमेरिका में दिला दे, मैं ढंग की जगह हूँ, ये स्वरूप जैसा है ना ऐसा हो, एक नंबर जी को पीछे बैठा दिया हमने आगे से। ये भैया के हाथ में ड्राइविंग दे दी है, अब देखो कहाँ तक सल्ला बिठाते हैं। सल्ले क्या होता है? सल्ले मतलब सही जगह कहाँ पहुँचाते हैं, मतलब सारी चीज ठीक हो जाती है। तो हमारी हरियाणवी भाषा में कहते हैं पहला, सल्ले पहला बिठाते हमने हैं। वो देखा कि ऑटो नहीं लेना है, ये वाला है। सरकारी में ही चला रहा हूँ, यहाँ से गोवा निकलना है हमें। गाड़ी चलाता हो चल ले यार। सही जगह पता चले टिकट में लेके पता टिकट कहाँ है, कितने रुपए की टिकट है? टिकट है 70 रुपीज पर हेड की टिकट है, 70 रुपए की टिकट गाड़ी ऊपर ले जाने का, पहाड़ के ऊपर जाएगी समझे ना, ऊपर से भी पूरा सिटी का आएगा, लोकेशन भी बहुत अच्छा जी गवर्नमेंट का आएगी। अच्छा 200 रुपए है ये? हाँ 200 रुपए ऊपर ले जाने का सर, इनकी खुद की जीप चलती थी लेकिन अभी इन्होंने बंद कर रखी, 90 रुपीज पर हेड का टिकट है लेकिन इन्होंने जीप बंद कर रखी, अपनी गाड़ी ले जाओ। पूरा ऊपर फोर्ट है, व्यू एक नंबर आएगा, मतलब फोर्ट कैसा फोर्ट? सज्जनगढ़ फोर्ट मानसून पैलेस। अच्छा वहाँ क्या है मतलब थोड़ा तो बता दे। वहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, उदयपुर का लोकेशन आएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीच में अगर कोई शेर वगैरह पैंथर वगैरह दिख गया तो वो अच्छा है, और हिरन वगैरह दिख गए तो वो अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरी। रोलिंग वाला करवाते हो आपको केबल वाला? ना भाई ना 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 केबल पे लटक के जाओ, और एक बहुत लटक लिया इस बार में बहुत होती है। थैंक यू भैया, रोपवे भी है लो जी आगे तुम दे लो पहले, रोपवे भी है ट्रॉली में बैठ के जाते हैं वो देना, पानी सर का सब का पानी आता ना, साफ पानी है। फतेहपुर लेक, फतेह सागर लेक बड़ी तो काफी है, बहुत बड़ा है, इसको इंडिया का नक्शा बोलते हैं, ऊंचाई से कोई देखता है ना। अच्छा, अगर आपको शेप में है, हेलीकॉप्टर का राइड भी करना हो तो भी चल रहा है अभी। अच्छा, बहुत बड़ा है, नक्शा है पूरा, पहला बड़ा है। नीचे से क्या रिजोर्ट खोल लो, ये मेरे गेस्ट हाउस खोलूंगा, अहमदाबाद हाईवे पे है और अपना 2000 स्क्वायर फीट का इसी में बना हुआ ना वो तेज लेक प्लेस, ताज लेक प्लेस इसमें नहीं, पिछला लेक जो देखेंगे अपन वहाँ पे बना हुआ। कितने लेक हैं पूरी टोटल? 3 लेक, 4 लेक है वैसे तो, बड़ी हाँ। लेक अभी अपन चल रहे हैं बड़ी लेक, हाँ। उसके बाद चलेंगे फतेह सागर, ये जो बैक साइड देख रहे हैं अभी तो अपन, हाँ। फ्रंट साइड उधर है वो देखेंगे, उसके बाद चलेंगे पिछोला लेक। अच्छा, पिछोला लेक के अंदर 2 लेक है, तो दूध तलाई है और पिछोला पूरा। इसमें अब की बार ऐसी जगह लेंगे थोड़ी, है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, रूम्स
वगैरह नहीं देंगे। अच्छा अच्छा, ये प्राइवेट डिश खुद के बना, खुद का बना हुआ रहने के लिए। वाह। I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and the love's in your mind and the love's in your head. Let me escape from this some love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. इवन यहाँ पर हेलीकॉप्टर राइड भी है, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो भाई शादी तो होगी, अब दोबारा प्री वेडिंग कर लेंगे जाके। लो प्री वेडिंग अभी तैयार। क्या आइडिया दिया आपने, कितने इंटेलिजेंट क्यों हो आप? ऊपर पहन के उसी के और क्या, जैसे उसने फोटो नहीं किया था जयगढ़ फोर्ट के अंदर बना के हमें। अब वाओ यार, सही में कितनी प्यारी लोकेशन है, कितना साफ पानी लग रहा है यहाँ पे, तो कोई गंदा भी नहीं करता पानी। हाँ तो साफ पानी। बहुत सुंदर। अभी नीचे आ गए हैं और इसके अंदर से जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है ना, उसी के अंदर दिखेंगे कुछ। हाँ जी मैं तो अच्छा है, तुम्हें जाओ देखने जाओ, अर्जेंट आ जाओ। स्मेल क्यों आ रही है? मैच आ जाओ ना, आप भी आ जाओ। देखो सर हालत देखो, कुछ कीटाणु से मर गई है ना। ओह माय गॉड, अभी किसी ने डाली या तो किसी ने डाली है यहाँ पे कुछ, सब मर गई है। तो सब मर गई है, कुछ ना कुछ हुआ है पानी के अंदर। इतनी प्यारी लोकेशन थी, हमने यहाँ पे बहुत सारी पिक्स क्लिक करी, तो वो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो अभी हम निकले हैं फतेह सागर लेक के लिए, और भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी थी, तो अभी हम कुछ खाने का सोच रहे हैं पहले, जाने से पहले, तो देखते हैं क्या खाते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब, और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियोस को एंजॉय कर सकें। और अगर एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, और बहुत सारा प्यार ऐसे ही हम लोगों को देते रहिए। अरे सामने है ताज लेक प्लेस, बैक साइड में लीला पैलेस। अच्छा ये ब्राउन वाला, और ये सामने बिल्कुल जग मंदिर। अच्छा जग मंदिर। अच्छा यहाँ भी घुमा के लाते हुए दीपिका को यहाँ घसीट घसीट के लेके गए थे रामलीला मूवी। अच्छा लीला को यहाँ से ऊपर ले जाते हैं। हाँ 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 घसीट के, और जो रणवीर सिंह होता है नीचे से लीला चिल्लाते हुए आता है ऊपर, उसके पीछे कार में जाते हैं।
लीला तेरा चमन आ गया रामलीला ये जवानी ये दीवानी में भी जो शॉपिंग करने आते हैं वो नीचे का ही सीन है। फाइनली पूरे दिन घूमने के बाद अब हम खाने के लिए आए हैं। मैं नहीं खा रहा ये बुरी चीज, मेरा चूर आ रहा है दाल बाटी मत खाओ मेरा। भैया कैसा लग रहा है आपको? और ये खाने नहीं वाले हैं और इन्होंने इतना सारा एक बार में अंदर, तो अभी हमारी राजस्थानी थाली आई है और दाल बाटी चूरमा हम लोग ट्राई करेंगे अभी। ये क्या चीज है? बनाना मिक्स वेज चटनी, ये लहसुन की चटनी है, ये खानी है, ग्रीन चटनी है। सो अभी फाइनली हम लोग अपने होटल जा रहे हैं और बस पहुंचने वाले हैं। केवल बैठे गए अभी। ओहो वाह वाह हेलो गाइस। तो अभी हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया है और चलिए आपको एक बार रूम दिखा देती हूँ कैसे हैं दिस साइड। इधर एक मिनी बार अंदर है इसके, देन मिरर इधर अभी मेरे थोड़ा मैसी हो रखा है एंड ये रूम है। और आप पॉज क्यों मार रहे हो भाई? और चलो एक बार बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको। ओहो मेहनती बच्चे। तो ये हमारी तो मैं भी रात हो गई है लेकिन अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको एक बार दिखा दूँ कैसा है सब कुछ। और अभी हम लोग बैक साइड पे आए हैं, इधर पूल साइड भी है और क्लब वगैरह भी इधर ही है, तो एक बार विजिट करते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। तो ये रेडिसन ब्लू है उदयपुर में, इसका लिंक भी मैं साथ में ही डाल दूँगी तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी लोकेशंस हों और हम लोग पिक्स क्लिक ना करें तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी हम नीचे पिक्स क्लिक करेंगे उसके बाद हम शो स्टार्ट होंगे। पता नहीं उन्होंने कुछ बोला था फो कुछ करके। आती क्या खंडाला? नहीं आती क्या? ओ उदयपुर क्या करूं आगे में खंडाला। अब पूरा दिन घूमने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं। सो अभी आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सुबह। गुड मॉर्निंग। और अभी मैं तो उठ चुकी हूँ लेकिन परवेश सो रहे हैं, तो एक बार मैं सोच रही थी मॉर्निंग में आप लोगों को रूम कर कराऊंगी क्योंकि चलो बाहर का उठ जाओ आप प्लीज। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो बाहर का ओ रात को तो इतना नहीं दिख रहा था। नहीं यार अभी तो बहुत सुंदर लग रहा है ना, लाइट्स बिल्कुल महल है ना।
सो फ्रेशन अप होने के बाद अब हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने, जो था बेसमेंट में। तो बेसमेंट भी काफ़ी अच्छा था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। गर्मी यहाँ इतनी ज्यादा हो रखी है ना, बहुत ज्यादा, बिल्कुल पता नहीं चल रहा दिसंबर था। Dress that made you stand out from your friends. I took a moment to hesitate. You had me feeling more than I could count.